गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हम लोग आहार संबंधी वाक्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आहार मील्स यानी भोजन के संबंध में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, परोसते समय, लेते समय, किसी से भोजन के लिए निमंत्रण करते समय, ये बहुत सारी बातें हैं कि जिसके संबंध में किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण करके हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। मील से संबंधित इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत भी एक वीडियो दिया जा चुका है, या दूसरा आहार से संबंधित यहां जानकारी दी गई है, इसीलिए 43 से शुरू किया है, 43 नंबर। उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, दे हैव इनवाइटेड मी टू लंच, उन्होंने मुझे बुलाया है, दे हैव इनवाइटेड मी, किस लिए टू लंच, दोपहर के भोजन पर। आप रात का खाना मेरे साथ खाइए, आप रात का खाना मेरे साथ खाइए, प्लीज हैव योर डिनर विथ मी, डिनर रात का खाना, प्लीज हैव योर डिनर विथ मी, आप रात का खाना मेरे साथ खाइए, प्लीज हैव योर डिनर विथ मी। उबले हुए अंडे लेंगे या तले हुए, उबले हुए अंडे लेंगे या तले हुए, विल यू हैव बॉइल्ड एग्स आर फ्राइड वंस, उबले हुए अंडे लेंगे या तले हुए, विल यू हैव बॉइल्ड एग्स आर फ्राइड वंस। उनके भोज में 7 प्रकार के खाने परोसे गए, उनके भोज में 7 प्रकार के खाने परोसे गए, देयर वेयर 7 आइटम्स, देयर वेयर 7 आइटम्स या डिशेज एट देयर पार्टी, उनके भोज में 7 प्रकार के खाने परोसे गए, उनके भोज में 7 प्रकार के खाने परोसे गए, देयर वेयर 7 आइटम्स या डिशेज एट देयर पार्टी। मुझे आलू की रसेदार सब्जी पसंद है, मुझे आलू की रसेदार सब्जी पसंद है, I am fond of mashed potatoes, मुझे आलू की रसेदार सब्जी पसंद है, I am fond of mashed potatoes, थोड़ी तरी और दीजिए, थोड़ी तरी और दीजिए, May I have little gravy, May I have little gravy या some more gravy, थोड़ी तरी और दीजिए, May I have a little gravy या some little more gravy या some more gravy। भुने हुए आलू मेरी पत्नी को बहुत स्वाद लगते हैं, भुने हुए आलू मेरी पत्नी को बहुत स्वाद लगते हैं, My wife relishes boiled potatoes, भुने हुए आलू, My wife relishes boiled potatoes, वह बड़ा पेटू है, He is gluten, वह बड़ा पेटू है, He is gluten, बड़ा पेटू है, He is gluten, वह बढ़िया खाने का पहचानने वाला है, वह बढ़िया खाने का पहचानने वाला है, He is gourmet, वह बढ़िया खाने का पहचानने वाला है, He is gourmet, हम विशुद्ध भारतीय रसोई बनाते हैं, हम विशुद्ध भारतीय रसोई बनाते हैं, We have an exclusive Indian cuisine, We have an exclusive Indian cuisine,
नोट फेल के साथ विशेषण लगता है, संज्ञा नहीं लगती। नोट फेल के साथ विशेषण लगता है, संज्ञा नहीं लगती। उदाहरण के लिए आई एम फीलिंग थर्स्टी, देख रहे हैं थर्स्टी एडजेक्टिव है, फील के साथ विशेषण लगता है, संज्ञा नहीं। उदाहरण के लिए आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, आई फील थर्स्ट नहीं कहा जाता, आई फील थर्स्ट नहीं कहा जाता। पकवान के लिए डिश शब्द का प्रयोग किया जाता है, पकवान के लिए डिश शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका अर्थ तस्तरी भी होता है, इसका अर्थ डिश का तस्तरी भी होता है। जैसे आपके यहाँ क्या खाना मिलता है, व्हाट डिशेज डू यू सर्व, आपके यहाँ क्या खाना मिलता है, व्हाट डिशेज डू यू सर्व। नंबर तीन, अंग्रेजी में आमतौर पर खाने के लिए ईट और पीने के लिए ड्रिंक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अंग्रेजी में आमतौर पर खाने के लिए ईट और पीने के लिए ड्रिंक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके विपरीत खाने और पीने के लिए टेक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसके विपरीत खाने और पीने के लिए टेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू टेक टी या डू यू टेक फिश, डू यू टेक टी या डू यू टेक फिश। ड्रिंक का साधारण अर्थ होता है शराब पीना, ड्रिंक का साधारण अर्थ होता है शराब पीना। तो इस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि आहार से संबंधित बातें समझाई गई हैं, इनका आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और अपने बातचीत की शैली में सम्मिलित करना चाहिए।